हेलो फ्रेंड्स, जानकारी पूरी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेबर कार्ड के बारे में। अगर दोस्तों आप लोगों का भी लेबर कार्ड बना हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस प्रकार से घर बैठे बिल्कुल फ्री में लेबर कार्ड को रिन्यू कर सकते हैं। और दोस्तों, काफ़ी लोगों का लेबर कार्ड तो बना हुआ होता है, बट दोस्तों उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमारा लेबर कार्ड रिन्यू होने को हो गया है या फिर अभी नहीं हुआ है, यानी कि उन्हें वो डेट चेक करना नहीं आता है। तो ये भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग किस प्रकार से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का लेबर कार्ड रिन्यू होने को है या फिर नहीं है। तो आप लोग पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप लोग लेबर कार्ड से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसे कि लेबर कार्ड वालों को 3,000 रुपये किस प्रकार से मिलेंगे और लेबर कार्ड की योजनाएं किस प्रकार से चेक करना है, और साथ ही अगर आप लोग नया लेबर कार्ड किसी का बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से अपने मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं, ये तीनों वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग वहां से वीडियोस को देख के इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही नई नई जानकारियां पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। देन ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टाइप करना है UPBOCW। इतना टाइप करने के बाद आप लोगों को सर्च कर देना है। अगर दोस्तों आप लोग यूपी से नहीं हैं तो आप लोग जिस भी राज्य में रहते हैं उस राज्य का यहां पर नाम टाइप करेंगे और उसके बाद BOCW.IN लगा देंगे। उसके बाद आप लोगों को सर्च कर देना है तो आप लोगों के राज्य की जो भी श्रम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट होगी उस वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे। और दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। आप लोग चाहों तो वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। और दोस्तों, श्रम विभाग की वेबसाइट आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखेगी। ये उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है। जब आप लोग अपने राज्य की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो भी आप लोगों को कुछ इस प्रकार से ही दिखेगी। थोड़ा बहुत कुछ चेंज होता है, बाकी सब सेम होता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि उपकर, योजनाएँ, अधिष्ठान। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा श्रमिक का। आप लोगों को श्रमिक वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। देन जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इसके अंतर्गत भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा नवीनीकरण की स्थिति, इसी वाले ऑप्शन पर आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना है। देन जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोग एक नए पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अपनी पंजीकरण संख्या टाइप कर देनी है, यानी कि आप लोगों का जो भी लेबर कार्ड रहेगा उस लेबर कार्ड पर एक पंजीयन संख्या लिखी हुई होती है, वही पंजीयन संख्या आप लोगों को यहां पर एंटर कर देनी है। तो जैसे कि मैं यहां पर अपने लेबर कार्ड की पंजीयन संख्या एंटर कर देता हूं, और उसके बाद आप लोगों को यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्च का, यहीं पर आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के लेबर कार्ड का जो भी पूरा बायोडाटा होगा वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो श्रमिक का नाम, जनपद का नाम और श्रमिक पंजीयन स्थिति देख सकते हो, यहां पर सक्रिय लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोग यहां पर जन्मतिथि भी देख सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ आप लोग यहां पर ये भी देख सकते हो कि आप लोगों का लेबर कार्ड अभी कितने दिनों के लिए रिन्यू है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने जो लेबर कार्ड सर्च किया है वो अभी 2023 तक यहाँ पर रिन्यू कराने को नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप भी चेक कर सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं आप लोगों का लेबर कार्ड एक्सपायर हो गया है तो आप लोगों को किस प्रकार से रिन्यू करना है, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नवीनीकरण करें, इसी वाले ऑप्शन पर आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहां पर श्रमिक के नवीनीकरण का पूरा विवरण देख सकते हैं, जैसे कि श्रमिक के लेबर कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, मोबाइल नंबर के 4 अंक आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद श्रमिक का यहां पर आप लोगों को आधार नंबर देखने को मिल जाएगा, और यहां पर IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और खाता संख्या भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आप लोग अपने लेबर कार्ड को रिन्यू करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहां पर चुने वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है, देन एक वर्ष सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है विवरण संशोधित करें, इसी वाले ऑप्शन पर आप लोगों को एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के लेबर कार्ड में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है, और उसके बाद दोस्तों इस वाले बॉक्स में आप लोगों को OTP डालना है, और उसके बाद आप लोगों को यहां पर OTP पुष्टि करें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोगों का कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो लोग आप यहाँ पर देख सकते हो।
उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप लोग यहां पर ओटीपी पुष्टि करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का लेबर कार्ड एक साल के लिए फिर से रिन्यूअल हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को कोई भी फीस का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और दोस्तों साथ ही आप लोगों को ये भी बता दूं कि अभी ये फ्री हो रहा है और बाद में हो सकता है पैसे पड़ने लगें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग भी घर बैठे बिल्कुल फ्री में अपने लेबर कार्ड को घर बैठे रिन्यू कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।